हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी कि आपको अपने आरआरबी जेई के सीबीटी 1 के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आप इजीली अपने सीबीटी 1 में आरआरबी जेई के 80% मार्क्स लेकर आ सकते हो और सीबीटी 1 को क्रैक कर सकते हो। और आपको क्रैक करने के लिए क्या बुक्स यूज़ करनी है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, क्या टिप्स यूज़ करनी है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो आपको किस तरीके से पढ़ना है, और आप मॉडरेट स्टूडेंट हो किस तरीके से पढ़ना है, वीक हो तो कैसे पढ़ना है, और अगर आप जॉब करते हो तो कितना कितनी देर पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना इनफ होगा, 4 घंटे पढ़ना इनफ होगा, और काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे थे आपने, वो सभी क्वेश्चंस के भी मैं आंसर देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर 3 महीने में आप मेरी आरआरबी जेई की प्रिपरेशन हो जाएगी नहीं या नहीं। सो गाइज, 3 महीने बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपकी आरआरबी जेई की प्रिपरेशन, सिर्फ 2 महीने में हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में, वो भी तब जब आप खुद से प्रिपेयर करते हो, खुद से पढ़ते हो। अगर आप किसी कोचिंग के भरोसे बैठोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चन थे कि सर मैं मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ूँ, रीजनिंग कहाँ से पढ़ूँ, जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ूँ, जनरल साइंस कहाँ से पढ़ूँ, ठीक है। तो ये जितने भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो सभी डाउट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है। सो अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है और आप नोट्स के लिए इधर उधर घूम रहे हो, कन्फ्यूज हो, तो वो सबसे बड़ा सोल्यूशन तो मैं पहले ही सोल्व कर चुका हूँ। आपके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट विथ PDF, ठीक है, CBT 1 के भी, CBT 2 के भी, जितने भी बुक्स लगेंगे, जितने भी नोट्स लगेंगे, जितने भी फेमस कोचिंग सेंटर्स हैं जो IES और GATE की प्रिपरेशन कराते हैं, उन सभी के नोट्स मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, और उन सभी का लिंक भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट वीडियो के लास्ट में कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो CBT 1 में सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके इसमें, एक है आपका मैथमेटिक्स, दूसरा है आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, तीसरा है आपका जनरल अवेयरनेस, और चौथा है आपका जनरल साइंस। मैथमेटिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं गाइस आपके, वो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका, वो है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में गाइस आपके जो टोटल कंप्लीट टॉपिक्स हैं वो आपके 20 टॉपिक्स हैं। मैथमेटिक्स में 20 टॉपिक्स आएंगे आपके, अभी मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो 20 टॉपिक्स में से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस में भी आपके काफ़ी टॉपिक्स हैं, 13 to 15 आपके टॉपिक्स हैं जनरल इंटेलिजेंस में। आपके 15 टॉपिक्स हैं गाइस आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में, ठीक है। टोटल 15 टॉपिक्स हैं जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में गाइस आपके टोटल 10 to 15 टॉपिक्स हैं, लाइक आपका हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इस टाइप के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, ये सभी टॉपिक्स आपके कवर होंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस को करने की एक ट्रिक होती है, ये क्वेश्चंस सेलेक्ट किए जाते हैं किस कुछ बेसिस पर, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कैसे पढ़नी है। कोई भी एक बुक लेकर नहीं बैठ जाना, मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस का इस आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस। तो जनरल साइंस के लिए आपको कोई एकदम तीर मारने की जरूरत नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा जनरल साइंस नहीं पढ़नी है। सिंपल 10th क्लास तक की CBSE बोर्ड की बुक्स उठाइए, 9th और 10th क्लास की, सिर्फ और 9th और 10th, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। 6th क्लास तक की बुक नहीं उठानी, सिर्फ 9th और 10th की बुक्स लेनी है और उनको पढ़ लेना है, वो आपके लिए इनफ है। वरना एक ल्यूसेंट आती है, 9th और 10th आप नहीं पढ़ना चाहते तो ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं आप, वो आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस दोनों में हेल्प करेगी, और आपके 45 मार्क्स आते हैं इन दोनों सब्जेक्ट से। तो आपका मिनिमम एंड मिनिमम, अगर आप ल्यूसेंट को कर लें तो मिनिमम एंड मिनिमम 45 में से गाइस आपके 38 to 39 मार्क्स वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है, वो बुक मोर देन इनफ है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गाइस आपकी मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स मैं कहाँ से करता हूँ, और आप चाहे तो आप वहाँ से करना चाहो तो आप वहाँ से कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, ठीक है। सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैथमेटिक्स दिखाया गया है कि आपके टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मैंजोरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये जितने भी आपके टॉपिक बताए गए हैं। सबसे पहले चीज़ इसमें एक कैलेंडर टॉपिक दिखाया गया, कैलेंडर टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, अप्रोक्स 9 लेक्चर्स हैं, 9 to 10 लेक्चर्स हैं उस वीडियो में। प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चेक कर सकते हो और कैलेंडर पढ़ सकते हो। कैलेंडर को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ, और आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स। कुछ दिन बाद आपके मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, बट जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का, या जनरल साइंस आई थिंक आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, सो बाकी मैथमेटिक्स को अभी सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। जितने भी मैथमेटिक्स हो गया आपका, जनरल इंटेलिजेंसी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड मैं अभी तक कुछ लेक्चर्स पोस्ट कर चुका हूँ। आपका इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन
इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, और इन सभी टॉपिक्स पर आपके लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। जनरल इंटेलिजेंस में मैं आपके नंबर सीरीज़ आपको अब तक करा चुका हूँ, और आपका मैथमेटिक्स में मैं आपको कैलेंडर करा चुका हूँ, ठीक है। जनरल साइंस में भी मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुका हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं। सो गाइस, उन सभी वीडियोस को आप जाकर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से। मैथमेटिक्स की गाइस दो बुक्स आती हैं आपकी, एक IES अकेडमी की आती है और एक आती है आपकी मेडिजी की, ठीक है। और बाकी भी बहुत सारी बुक हैं, एक RS अग्रवाल बुक है जो कि बहुत पुरानी बुक है, जिसको मैं उससे इतना पर्सनली मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। आप उसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, काफ़ी पुरानी बुक है, बहुत टीचर उसको रिकमेंड करते हैं और पढ़ते भी हैं स्टूडेंट्स उससे। गाइस मेरे अकॉर्डिंग वो बुक बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और वो इस टाइम आपको हेल्प नहीं कर पाएगी इतना ज़्यादा कंपटीशन क्रैक करने में, ठीक है। उस बुक में आपको सिंपल मेथड दिया हुआ है, सिंपल ट्रिक्स दी हुई हैं जिनको आप फॉलो करके कोई भी एग्ज़ाम क्रैक तो नहीं कर सकते। आपको मैथमेटिक्स आ जाएगी वो अलग बात है, बट आप इतनी जल्दी उससे एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। आपको उस बुक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उस बुक को अपडेट नहीं करा जाता। जो उस बुक में कंटेंट था वो अभी 5 साल भी उस बुक में वही कंटेंट है, बट IES अकेडमी और मेडिजी की बुक्स के साथ ऐसा नहीं है। उसमें आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं जो जिनका लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा होता है। सो उन बुक्स को आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन बुक्स का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियोज़ के नीचे मिल जाएगा। मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में तीन वीडियोस के लिंक दिए हैं, ठीक है। उन तीनों वीडियोस में मैं बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। आपको वहाँ पर फ्री PDF नोट्स मिल जाएंगे आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो आपको मैथमेटिक्स उन बुक्स को आप प्रिफर कर सकते हो, और आप अगर मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, अभी से आज से इसी वक्त से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी पर जाकर किसी भी टीचर को सर्च कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी में बहुत अच्छा ज़्यादा पढ़ाया जाता है। मैं यूट्यूब का तो कोई चैनल सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप पहले से किसी चैनल को यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हो, सो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बट स्टूडेंट्स का काटते हैं बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। अभी ALP का एग्ज़ाम हुआ था, और ALP के एग्ज़ाम के बाद उनका इतना बुरा कटा है स्टूडेंट्स का, उनका जो एग्ज़ाम इतना गंदा गया है ना, स्टूडेंट्स ने कमेंट में गालियाँ दी हैं टीचर्स को, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है यार, उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दियो या फिर उसमें कमेंट डिसेबल कर दियो, वो बात अलग है, बट उन्होंने वीडियोस पोस्ट करी थी और मैंने वो वीडियो देखी थी, और ALP वाले स्टूडेंट्स इतना गुस्सा थे। बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा यूट्यूब चैनल है उनका, जो भी है आप देख सकते हो कि आपको वो फॉलो करना है या नहीं करना है। मैं आपको बिल्कुल आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी भी चैनल के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देख के, ठीक है। भले ही मैंने अपने जो सब्सक्राइबर्स अब हाइड करे हुए हैं, बट वो मोर देन 50K, ठीक है, 50K सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हैं मेरे अभी। और मैं अपने भाई, अपने छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह पर्सनली सजेशन देता हूँ कि आपको क्या फॉलो करना है। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी में स्टडी मटेरियल में कुछ भी फॉलो करना है, तो गाइस वो अनअकैडमी है, मेरा चैनल भी फॉलो मत करो। अगर आप चाहो तो नहीं करना मत करो, आप अनसब्सक्राइब करके यूट्यूब को अनइंस्टॉल कर दो, सिर्फ अनअकैडमी से पढ़ो, ठीक है। जो बेस्ट चीज़ है जो आपका एग्ज़ाम क्रैक करा सकती है, वो आपके गाइस अनअकैडमी है। बट यूट्यूब पर कुछ चैनल्स हैं ऐसे, सिर्फ गिने चुने कुछ चैनल्स हैं जो आपको सीरियसली पढ़ाते हैं। उनकी कोई ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ यूट्यूब चैनल है उनका, और उसी से वो टीचर्स पढ़ाते हैं पर्सनली। सो उन चैनल्स को फॉलो करो। मैं किसी का पर्सनली नाम ना तो मैं उनको प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं किसी को बता रहा हूँ कि वो चैनल बुरा है। गाइस अपनी जगह सब ठीक है, ठीक है। सभी का अपना बिजनेस है, जो वट एवर दे डू। मैं तो पर्सनली बस स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए अपना ये चैनल चलाता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल और स्टडी को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है गाइस। सो मैथमेटिक्स के लिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, और वहाँ से मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। RRBJEE या फिर आप मैथमेटिक्स CGL यूज सर्च कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे। और मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी जल्द मेरे चैनल पर भी मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, और मार्च के ख़त्म होने से पहले, 20 मार्च या 15 मार्च से पहले, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और नंबर ऑफ 40-50 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक पर मैं कवर करके पोस्ट कर दूंगा। अब बात आती है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। हाँ, मैथमेटिक्स का आपका गाइस आता है 30 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स लेकर आना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके मैथमेटिक्स में 26 या 27 मार्क्स मैथमेटिक्स में नहीं आते हैं, तो गाइस आपका एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर क्लियर नहीं होगा, CBT 1, ये लिख कर ले लो। अगर आपके मैथमेटिक्स में 26-27 मार्क्स नहीं आते हैं, तो आपका CBT 1 क्लियर नहीं होगा, ठीक है। बात आती है अब आपके रीजनिंग की। रीजनिंग गाइस सभी की स्ट्रॉन्ग होती है, रीजनिंग को कोई करके भी नहीं देखता, प्रैक्टिस भी नहीं करता। मैं कभी अपने रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस नहीं करता, मैंने
याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम रीजनिंग कब प्रैक्टिस करी थी। मैं सिर्फ क्वेश्चन देखता हूँ और इतनी जल्दी मेरी रीजनिंग सॉल्व हो जाती है। सो ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। और आपका मैथमेटिक्स कितनी जल्दी आप सोल्व कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम को कितनी जल्दी आप सोल्व कर लेते हो, प्रॉब्लम्स को कैप्चर कितनी ज़्यादा जल्दी कर लेते हो, वो सब इस चीज़ पर डिपेंड करता है। बट रीजनिंग में भी कुछ आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका डाइस हो गया, आपका टाइम एंड टाइम वाला हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया, इन सभी की अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस रीजनिंग को करते हो, ठीक है, रीजनिंग कर सभी लेते हैं बट कम टाइम में रीजनिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो रीजनिंग को आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करनी है, जो कि आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे और यूट्यूब पर काफ़ी चैनल हैं जो रीजनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। आपको ये नहीं देखना कि रीजनिंग कैसे सोल्व करा रहे हैं, नंबर क्वेश्चंस भी नहीं देखने उनके, सिर्फ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है। और कोई भी एक नॉर्मल बुक ले लो, कोई भी बुक, कोई भी सस्ती हो महंगी हो कोई भी बुक ले लो, ठीक है, ऑनलाइन कोई भी रीजनिंग की PDF डाउनलोड कर लो, उसको सोल्व कर लो। ओके, तो आपको क्या करना है, रीजनिंग करनी है, रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करनी है। ये नहीं कि सिर्फ रीजनिंग का क्वेश्चन लिया और सोल्व कर लिया, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्वेश्चन सभी सोल्व कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्या है, आप उसको कितनी जल्दी सोल्व कर रहे हो, ये आपका डिपेंड करता है रीजनिंग में। आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10 सेकेंड लग रही है, 20 सेकेंड लग रही है, 1 मिनट लग रही है, 2 मिनट लग रही है, बिकॉज जितने कम टाइम में आप अपनी रीजनिंग सोल्व करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको अपनी मैथमेटिक्स सोल्व करने के लिए। आपको देख सकते हो कि आपको सोल्व करने के लिए टाइम कितना मिल रहा है, 90 मिनट, क्वेश्चन आएंगे आपके कितने 100। तो आपका अगर रीजनिंग में आपका हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी होता है तो आपके 30 मिनट इसी में चले जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ 60 मिनट बचते हैं। 60 मिनट में आपको बाकी क्वेश्चन कितने करने हैं, आपके जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन कट गए, तो 75 क्वेश्चन बचते हैं जो कि आपको सिर्फ 60 मिनट में करने हैं, जिसमें से 30 आपके मैथमेटिक्स के हैं। तो मैथमेटिक्स के मिनिमम एंड मिनिमम, अगर आपकी मैथमेटिक्स कितनी भी तेज़ है, अगर आप पेन से मैथमेटिक्स करते हो, आपको एक चीज़ और बता दूं, मैथमेटिक्स करने के भी 2 तरीके होते हैं, ठीक है, एक तरीका होता है पेन और पेपर यूज़ करना, और एक तरीका होता है सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना, ठीक है। 2 तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं, ये आपको CGL में मिलेंगे, RRB JEE में तो नहीं पता, बट जो गाइस CGL की प्रिपरेशन करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्रैक होता है, वो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो मैथमेटिक्स के लिए एप्टीट्यूड के लिए पेन यूज़ करते हैं। गाइस ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स के लिए पेन यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक टीचर थे मेरे, उन्होंने मुझको सिखाया था कि मैथमेटिक्स हो सके तो बिना पेन के सोल्व करो। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स इतने अच्छे तरीके से करनी है, बिना पेन के कैसे सोल्व करनी है वो भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको सिखा सकूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आप मैथमेटिक्स में पेन यूज़ नहीं करोगे और अपने कैलकुलेशन को इंक्रीज़ करोगे, कैलकुलेशन की स्पीड को इंक्रीज़ करोगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी एग्ज़ाम में। तो आपको मैथमेटिक्स के लिए उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको पेन ही ना यूज़ करना पड़े। ओके, तो आपको मैथमेटिक्स के लिए आपको मैंने 2 बुक बता दी, एक आपकी होगी MadeEasy, दूसरी होगी आपकी IES Academy। रीजनिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप यूट्यूब यूज़ करो, आप Unacademy यूज़ करो, और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करो, टॉपिक देखो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखो, उसका सोल्यू अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद करो। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, नंबर ऑफ ट्रिक्स पे ध्यान देना है रीजनिंग के लिए, ठीक है। जितने कम से कम टाइम में आप करोगे उतने ही जल्दी आपके सिलेक्शन होगा। सेकंड आता है यार आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका इंडियन ज्योग्राफी से आए, इंडियन हिस्ट्री से आए, इंडियन पॉलिटी से आए, या फिर आपका किसी पॉलिटिकल इशू से आए, या फिर करंट अफेयर्स से आए, सब कुछ आपका करंट अफेयर्स से आता है गाइस। अगर आपका इंडियन हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अभी रिसेंटली उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ होगा जो कि आपका करंट अफेयर्स में आया होगा, ठीक है। अगर आपका स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आपका रिसेंटली स्पोर्ट्स में कोई गेम कंडक्ट हुआ होगा, उसका कोई विनर होगा, वही क्वेश्चन आएगा। या फिर आपका कोई पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी से आ रहा है तो आपका किसी एक्ट में, किसी आर्टिकल में कुछ चेंज हुआ होगा, या फिर कोई आर्टिकल चेंज करा गया होगा, या फिर कुछ इम्प्रोवाइज किया गया होगा, तो वही आपका इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा। इंडियन इकोनॉमी में भी जो भी करंटली चल रहा है उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी इशू से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत पुराना पढ़ने के लिए बैठ गए, इतना नहीं आएगा, वो आपका UPSC में आता है कि आप 6th-7th class की बुक लेके बैठे हो, 4th class की बुक लेके बैठे हो, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की, यार उसको कर रहे हो। इस एग्ज़ाम के लिए आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, आप डेली करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, ठीक है, और उसको डीपली पढ़ने की कोशिश करो। अगर पॉसिबल हो तो द हिंदू एक ऐप आता है, उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो, उससे पढ़ो, या फिर मैं आपको द हिंदू के डेली एनालिसिस देता हूँ अपने चैनल पर, डेली आपको शाम को 7 बजे से पहले उसकी वीडियो मिल जाती है डेली न्यूज़पेपर की, द हिंदू के एनालिसिस, MCQ के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देता हूँ, जिसको जाके आप अभी के अभी चैनल पर चेक कर सकते हो।
ठीक है, उसमें क्या होता है आपको एमसीक्यू होता है उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन होता है, अगर आप सिर्फ उसको भी करते हो तो भी वो आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है गाइस, अब बात आती है आपकी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस की आती है आपके 30 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपका सिर्फ 10th लेवल का है। जनरल अवेयरनेस आपको क्या करना है, आप चाहे तो सिर्फ ल्यूसेंट का यूज़ कर सकते हो, और या फिर आप अनअकैडमी पे लेक्चर्स यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। ठीक है, अपने आसपास देखो, 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, 8th के स्टूडेंट्स को भी पकड़ लो, अगर मिलता है तो पकड़ लो बच्चों को अपने घर के आसपास से, उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फीस लेना चाहते हो तो फीस ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट में जल्दी आते हैं। शायद फीस लेके बुलाओ तो पढ़ने के लिए कोई ना आए, बट आप बोलोगे कि मैं इसका होमवर्क करा दूंगा, मैं इसको पढ़ा दूंगा। गाइस, ऐसे अपने आसपास के स्टूडेंट्स को कलेक्ट करो, ये नहीं कि 25 बच्चे कर लिए, एक या दो स्टूडेंट को पकड़ो और उनको पढ़ाना स्टार्ट करो। ठीक है, उनको इतने बुरी तरीके से पढ़ाओ, इतने बुरी तरीके से पढ़ाओ वो भी बोले कि यार हद कर दी इसने। तो आप 9th और 10th आपको इसी तरीके से आप पढ़ सकते हो और दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, तो 9th और 10th का सिलेबस आप इस तरीके से अपना कवर कर सकते हो, और अभी तो एग्जाम्स भी आने वाले हैं, सो उसके लिए भी बेटर होगा और आपके लिए भी बेटर होगा। ठीक है, एक मंथ के अंदर उसका भी सिलेबस कवर हो जाएगा जिस स्टूडेंट को आप रिवाइज करा रहे हो, और आपकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो ये आइडिया बहुत तकड़ा वाला है, मैंने इसी तरीके से मैंने अपने नेबर में 2 स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाया था, 9th और 10th के स्टूडेंट को। सो मैंने अपनी जनरल साइंस इसी तरीके से कवर करी थी। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, द हिंदू के, आलतू फालतू चैनल नहीं देखने, कोई फर्जी वर्जी ये जो गूगल के साइड में आता रहता है ऊटपटांग चैनल, उन पे ध्यान नहीं देना, फालतू को कोई ऐप नहीं डालना अपने फ़ोन में। रीजनिंग के लिए आपको बता दिया कि सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान दो। मैथमेटिक्स के लिए आप जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे दिए गए वीडियो, नीचे वीडियोज़ के 3 वीडियोज़ के लिंक है आपके पास, तीनों वीडियोस को आप ओपन कर देख सकते हो, और उनके नीचे आपको पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, सो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से अभी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको ज़रूरत है मैं मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की, मैथमेटिक्स की क्लासेस आपकी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूंगा। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की भी डेली का एक लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएगा 1 या 2 दिन बाद से। अब जनरल अवेयरनेस का तो आपका गाइस डेली आ ही जाता है, द हिंदू एनालिसिस का मैं वीडियो डालता हूँ डेली, बट उस पर बहुत ही कम लोग देखते हैं, आप जाके वीडियो देखिएगा ज़रूर। और जनरल साइंस आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, बट मैं अपने चैनल में भी जनरल साइंस के लिए वीडियो पोस्ट करना जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है गाइस, सो विद दैट सेड, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अगर वीडियो को लास्ट तक देखा है तो ये कमेंट ज़रूर कर देना कि वीडियो को लास्ट तक देखा है भाई, क्योंकि 17 मिनट की वीडियो हो गई है। मेरे ख्याल से अगर आप बोर हो रहे होगे स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, 4-5 मिनट भी छोड़ के चले जाते हैं, नहीं देखते। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हो और मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकते हो, और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी नीड्स हैं मैं फुलफ़िल कर पाऊँ और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी टाइप के नोट्स प्रोवाइड करा पाऊँ। तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है यार, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए, और उसी के साथ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथ साथ दूसरे का भी भला करो, बिकॉज कभी कभी आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ एग्ज़ाम में आके बैठ जाते हैं बाय मिस्टेक। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, मेरी एक फ्रेंड थी, वो एग्ज़ाम था, हमको पता नहीं था कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर भी सेम है और हमारी सीट भी बराबर में थी। सो एक एग्ज़ाम तो मेरा इसी तरीके से क्लियर हुआ था। ठीक है, सो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।